नमस्कार वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टूडे विल हैव अ डिस्कशन अबाउट गियर्स एंड गियर गियरबॉक्सेस प्राय टू स्टार्ट द टॉपिक हम लोग गियर का जो इन्वेंशन हुआ था उसके बारे में पहले देखेंगे उसके बाद विल गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ गियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ़ गियर्स एंड द कॉल मील गियरबॉक्स टाइप एंड इट्स सर्विस प्रोसीजियर एंड वाट आर द चेक्स विल डू इन द गर बॉक्सिस सो लेट्सटार्ट यू सी दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए प्लानटरी गियर बॉक्स द आउटर साइड गियर इज़ दर्कम्फरेंशियल गियर और यू कैन से आउटर गियर एंड एट देंटर इज़ द सन गियर और जो तीन गियर और बाकी दिख रहे हैं वो है प्लानटरी गियर्स सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कॉल मिल गियर बॉक्स बट प्राय टू स्टार्ट दिस लेट्स हैव सम बेसिक अबाउट गियर्स जो गियर का इन्वेंशन हुआ था वो इट इज़ इन्वेंटेड बाय द ग्रीक मैकेनिक्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन द थर्ड सेंचुरी बीसी सी द फास्ट गियर जो मैन्युफैक्चर हुआ था इट इज़ बींग मेड ऑफ वुड उडेन रोड्स जो उसका सेंटर साफ्ट था वो उडेन रोड से बना था और उसका जो टीथ था वो भी उडेन से ही बना था ये फर्स्ट गियर बॉक्स है इसका जो कॉन्सेप्ट उस टाइम में था टू रिड्यूस द स्पीड और टू इंक्रीज द स्पीड सो हमने जैसे बोला यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट गियर था उसका जैसे साफ्ट एंड टीथ सारे चीज़ ऊड से बना हुआ था जो पहला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स था इट वाज इन्वेंटेड बाय कैनेडियन अल्फ्रेड हॉर्नर अल्फ्रेड हॉर्नर मुनरो जो थे उन्होंने फर्स्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का इन्वेंशन किया था तो ये हो गया इन्वेंशन के ऊपर अभी हम देखेंगे व्हाट इज गियर बेसिकली गियर क्या है गियर आप जैसे इस फोटो में देख पा रहे हैं कि गियर इज़ ए सिलेंड्रिकल टाइप मैसिन एलिमेंट और इसमें बहुत सारे टीथ हैं सो so, उसका डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल मेसिन एलिमेंट यूज टू ट्रांसमिट मोशन एंड पावर बिटवीन टू रोटेटिंग साफ्ट और मल्टीपल रोटेटिंग साफ्ट बाय मींस ऑफ प्रोग्रेशन एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड टीथ सो गियरबॉक्स जो होता है बेसिकली दिज आर ऑल सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स हैविंग नंबर ऑफ टीथ

दो टो गियर यहाँ पे मैच हुआ है जिसमें छोटे गियर को हम लोग हमेशा पिनियन बोलते हैं और जो बड़ा गियर होता है उसको हम लोग गियर बोलते हैं तो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं बट हमको देखना है व्हाट इज गियर हमने देख लिया अभी देखेंगे गियर हम क्यों यूज करते हैं द बेसिक फंक्शन ऑफ़ द गियर इज टू चेंज द स्पीड इधर टू इंक्रीज द स्पीड और टू डिक्रीज द स्पीड और इंक्रीज द टॉर्क और डिक्रीज द टॉर्क और द मेन थिंग इज दैट the direction ऑफ द पावर सोर्स कैन बी चेंज by यूज ऑफ गियर इन केस ऑफ bevel pinion लाइक like दैट हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कैसे डिरेक्शन ऑफ द पावर सोर्स चेंज हो जाता है जैसे कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज द प्लानेटरी गियर बॉक्स जहाँ पे आपका वीवेल पिनियन लगा हुआ है जो हॉ मोटर का जो पोजीशन होता है वो हॉराजेंटल होता है इट इज गिविंग द टार्क इन द हॉराजेंटल डिरेक्शन बट वी finally get the torque in the vertical direction by using the bevel pinion arrangement so हमने यहाँ पे देखा कि gear devices can change the speed torque and direction of the power source so अभी हम लोग देखेंगे कि जो power transmission हो रहा है gear में सो so, इसमें क्या हो रहा है पावर ट्रांसमिशन में आइधर हमने जैसे बोला कि इसका स्पीड को रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है सो टू कंट्रोल द रोटेशन स्पीड हम लोग गियर का यूज करते हैं और टू मल्टीपल द टॉर्क अगर लेस टर्क का मशीन है हमको हाई टर्क चाहिए जैसे कि कॉल मिल गियर वर्क इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट तो उस केस में भी हम लोग मल्टीपल गियर्स यूज करके हमको ज़्यादा टॉर्क ले सकते हैं वैसे ही टू चेंज द डिरेक्शन ऑफ रोटेशन जैसे हॉराइजेंटल है तो वर्टिकल में चाहिए तो हम लोग विवेल पिनियन लगा सकते हैं और उसका डिरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे जो गियर का क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कैसे करते हैं पारल एक्सिस या इंटरसेक्टिंग एक्सिस या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस इस तरह से हम लोग गियर को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे देखिए जैसे कि पारल एक्सिस गियर यहाँ पे देखिए जो ऊपर के चारों गियर का अरेंजमेंट दिख रहा है उस अरेंजमेंट में बोथ द गियर जो है उसका जो एक्सिस है दिस इज़ पारलल टू ईच अदर फर्स्ट वन स्पोर गियर में देखिए और हेलिकल गियर में देखिए स्पोर और हेलिकल में डिफरेंस यही है स्पोर गियर का जो टीथ होता है दैट इज स्ट्रेट टीथ बट हेलिकल गियर में एक हेलिकल एंगल दिया जाता है हेरिंग बोन में देखिए जैसे कि दो हेलिकल गियर को आपस में इंटरकनेक्ट करके हेरिंग बोन की तरह उसको अरेंज किया जाता है तो उसको हेरिंग बोन गियर बोला जाता है और जो फोर्थ फोटोग्राफ से उसमें आप देख रहे हैं इंटरनल इंटरनल मीन्स यहाँ पे एक सर्कम गियर है दैट इज कॉल्ड द आउटर गियर उसके अंदर में जो है दैट इज अ स्मॉल गियर एज आई ऑलरेडी सेड इट इज़ कॉल्ड पिनियन सो ये पिनियन है और ये गियर है ये दोनों का अगर एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक्सिस पारल टू ईच अदर सो सेकेंड टाइम में हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग एक्सिस यहाँ पर देखिए दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल नाइन्टी डिग्री बेसिकली ये और इस टाइप का गियर जो होता है नॉर्मली बेबल गियरस होता है और बेवल गियर में भी स्ट्रेट टाइप में भी स्पायरल टाइप स्ट्रेट टाइप में देखिए उसका टीथ स्पर गियर की तरह, तरह स्ट्रेट होता है और हेलिकल गियर की तरह स्पायरल बेवल में एंगल होता है और मीटर गियर जो होता है इसमें आपका बोथ द गियर्स आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टीथ बेसिकली सो यहाँ पे दो टाइप का हमने क्लासिफिकेशन देखा अब थर्ड टाइप देखते हैं जहाँ पे नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एक्सिस यहाँ पे दोनों गियर का एक्सिस ना ही पैर टू इच अदर है और ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे तो इस टाइप के चीज़ में हम लोग देखेंगे ओर गियर इज़ द बेस्ट एग्जांपल जो कि आपका बहुत सारे दुकान के शॉर्ट शटर वगैरह में यूज़ होता है या फिर आप उस क्रॉस हेलिकल गियर देख लीजिए हाईपर्ड गियर्स देखिए यहाँ पे हाईपर्ड गियर में जो कि बीवल गियर के तरह ही दिख रहा है आपको लेकिन अगर दोनों का एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एक्सिस 90 डिग्री तो कर रहे हैं बट आप देखिए यहां पे इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफसेट बीवेल गियर में वो ऑफसेट नहीं था यहां पे थोड़ा ऑफसेट है इसलिए दिस इज़ इस हाइपर गियर और जो अदर टाइप्स का होता है दैट इज़ रैक एंड पिनियन जिसका यूज़ बहुत सारे एप्लीकेशन में होता है जैसे कि पावर प्लांट में या कहीं पे एयर प्री होता है आपने देखा होगा बीएचएल का एयर प्री वगैरह में हम लोग रेक एंड पिनियन टाइप अरेंजमेंट रखते हैं जिसमें छोटा गियर जो आपको दिख रहा है जो सर्कमें uh, जो राउंड वाला गियर है दिस इज कॉल्ड पिनियन एंड जो रेक होता है रेक में नंबर ऑफ स्पर गियर्स होते हैं तो ये हो गया आपका गियर बॉक्स का क्लासिफिकेशन तो अभी हम लोग थोड़ा मील गियर बॉक्स के ऊपर चलेंगे जो मील का गियर बॉक्स एक एक डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक मील गियर बॉक्स जिसका आपको नेम प्लेट जो होता है उसमें इस टाइप के डिस्क्रिप्शन दिखेंगे मैक में जैसे कोई भी मैक हो सकता है बी एच एल मैक हो सकता है आपका बी पी जी मैक हो सकता है आपका चौंकिंग मैक हो सकता है डिफरेंट मैक्स हो सकता है और जिसका टाइप्स होता है जैसे कि यहाँ पे एक टाइप मैंने दिया है जे एल एक्स सिक्सटी नाइन जेट और इस टाइप का गियर बॉक्स नॉर्मली गियर बॉक्स होता है जिसमें डबल स्टेज गियर रिडक्शन होता है मतलब जो गियर बॉक्स हम यूज़ करते हैं मील में खास करके उस गियर में हमारा जो मोटर का आरपीएम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास होता है 990 आरपीएम उसको हमारा जो आउटपुट आरपीएम है वो मे बी 23 25 27 आरपीएम होता है तो इट इज़ अ बेसिकली रिडक्शन इन स्पीड और ये रिडक्शन जो है सिंगल स्टेज में नहीं होता है प्लानिटरी गियर बॉक्स में डबल स्टेज में होता है डबल स्टेज में कैसे न पहले आपका बिफेल पिनियन में होता है उसके बाद जो होता है प्लानिटरी गियर सेट में होता है तो डबल स्टेज स्पीड uh, डिडक्शन होता है यहाँ पे एग्जांपल में देखिए जो इनपुट साफ्ट का स्पीड है 990 आरपीएम है आउटपुट साफ्ट का स्पीड 23 आरपीएम है तो जो इसका गियर का रेशियो जो बोलते हैं हम लोग या ट्रांसमिशन रेशियो क्या होता है ट्रांसमिशन रेशियो होता है बेसिकली द इनपुट साफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाई आउटपुट साफ्ट स्पीड और गियरबॉक्स में लुब्रिकेंट से पूरा फील होता है गियरबॉक्स उसका हाउसिंग गेयरबॉक्स का हाउसिंग टू पार्ट्स में होता है बेसिकली एक बॉटम हाउसिंग जिसमें बीवेल गियर का सेट रहता है और टॉप होता है जिसमें थ्रस्ट पेड का असेंबली रहता है तो टेक द टोटल थ्रस्ट ऑफ द गियर बॉक्स सो उस केस में हम लोग वहाँ पे गियर ऑयल यूज़ करते हैं और गेयरबॉक्स में बी वी जी मीन्स बिस्कोजी ग्रेड टू हो सकता है थ्री हो सकता है तो और उसके बाद हम रेटेड पावर ऑफ द मोटर भी देखते हैं यहाँ पे जैसे कि 700 हंड्रेड के आसपास है तो हमने जैसे बोला कि गियरबॉक्स रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द टॉर्क और बाईस वर्षा मीन्स जहां पे हमको स्पीड को रिड्यूस करना है वहां पे टॉर्क बढ़ जाता है और अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो फिर टर्क कम हो जाएगा तो मील गियरबॉक्स में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्पीड को रिड्यूस करते हैं और हमको हाई टर्क की जरूरत पड़ता है टू क्रस और टू ग्राइंड द कोल इनटू पाउडर फॉर्म सो मेजर कंपोनेंट ऑफ गियर बॉक्स हम लोग अभी देखेंगे जैसे कि आप देखिए ये गियर बॉक्स का फोटोग्राफ्स है जिसमें आपका जो टॉप पार्ट है दैट इज द आउटर फ्लान्स इसको हम लोग आउटर फ्लान्स बोलते हैं बेसिकली दिस आउटर फ्लैंस इट अटैच टू द गियर बॉक्स विद सम डाउल पिन अराउंड टेन नंबर ट्वेल्व नंबर ऑफ डाउल पिन एट द टॉप और इस आउटर फ्लान्स के साथ हमारा मील का ग्राइंडिंग टेबल कनेक्ट होता है तो बेसिकली इस आउटर फ्लान से पावर ट्रांसमिट होता है आपके कोल मिल का जो ग्राइंडिंग टेबल होता है यहां पे आप ऊपर का थ्रस्ट पेड असेंबली देखिए ये जो थ्रस्ट पेड असेंबली है इसके अंदर में थ्रस्ट पेड रहता है हम आगे के फोटोग्राफ्स में दिखाएंगे आपको और इसमें भी जो गियर ऑयल है भरा हुआ रहता है क्योंकि आपका थ्रस्ट पेड और जो आउटर फ्लान देख रहे हैं आउटर फ्लान्स का बॉटम जो है वो कंटैक्ट में रहते हैं मेटिंग सरफेस है और उसके बीच में एक ऑयल फिल्म क्रिएट होता है जिसको ल्यूवल पंप रहता है बाहर में उससे हम लोग वहाँ पे ऑयल फिल्म क्रिएट करते हैं बिकॉज ये जो थ्रस्ट पेड है ये बेसिकली पूरा थ्रस्ट लेता है मील का उसके बाद आप नीचे देखिए प्लानटरी असेंबली प्लानटरी असेंबली में ये जिसके ऊपर एरो है वो है आपका प्लानट गियर्स और अंदर में सन गियर्स होता है सन गियर हम दिखाएंगे आपको आगे के स्लाइड में और हाउसिंग देखिए ये गियर बॉक्स का टोटल हाउसिंग है ये ऑयल में पूरा इमर्स रहता है गियर ऑयल में उसके बाद अब बीवेल गियर शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे नीचे का गियर जो है वो बीवेल गियर और साइड में जो गियर दिख रहा है दैट इज़ द पीनियन गियर और पिनियन गियर जो है पीनियन साफ्ट के साथ है पीछे की तरफ आप देख रहे हैं पिनियन साफ्ट जो है वो मोटर के साथ कनेक्ट रहता है तो अभी हम लोग आगे और कुछ फोटोज़ देखते हैं बीवेल और प्लानटरी का देखिए ये जो है एक बीवेल है एंड इट इज़ ए स्पेरिकल बीवेल क्योंकि इसमें स्ट्रेट विवेल नहीं है स्ट्रेट बीवेल होता तो आपके गियर्स का टीथ जो है वो स्ट्रेट होता है यहाँ पे इट मैक्सिमम एंगल सो इट इज़ ए स्पेर स्पेरिकल विवेल गियर और नेक्स्ट देखिए ये है साफ्ट इसमें भी इसका टीथ जो है देखिए दिस इज ऑल्सो स्पेरिकल सो ये दोनों विवेल और पिनियन हमेशा जब भी बनता है तो एक साथ में इसका टीथ का प्रोफाइल ग्राइंडिंग होता है ताकि इसका जो मैचिंग है वो प्रॉपर रहे और इसका क्या मैचिंग होता है इसमें क्या फ्लोट रखा जाता है पैकलस क्या होता है ये सारे चीज़ हम आगे के स्लाइड में देखेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे और ये देखिए आपका प्लानटरी गियर इसमें प्लानेटरी गियर में आप देख रहे हैं तीन टोप प्लानिट गियर से और जो प्लानट गियर जिसके साथ में है दैट इज़ कॉल्ड द प्लानट कैरियर बिकॉज ये कैरियर है और हर प्लानट के साथ में आपका एक साफ्ट रहेगा और उसमें बेरिंग्स रहेंगे तो आगे हम लोग और कुछ फोटोग्राफ्स गियरबॉक्स के इंटरनल्स का देखते हैं जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं दिस इज़ नथिंग बट द सन गियर ये सन गियर जो है वो प्लानट गियर जो हमें इससे पहले दिखाया था उसके अंदर में इंसर्ट होता है और प्लानट के तीनों प्लानट के गियर के साथ में सन गियर जो एक है उसका टीथ का मैचिंग होता है सेकेंड इस फोटो में भी आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें आपको दिख रहा है सन गियर भी दिख रहा है सन गियर के एक में छोटा सा बॉल है थ्रस्ट लेने के लिए एक स्पेरिकल बॉल है और सन गियर और बिबल गियर का जो मैचिंग है जो कपलिंग है दैट इज कॉल्ड अ टूथ कपलिंग आप देख पा रहे हैं इसमें और नेक्स्ट देखिए आप लोग थ्रस्ट पेड जैसे मैंने थ्रस्ट असेंबली आपको दिखाया था इस तरह के थ्रस्ट पेड ऊपर रहते हैं और थ्रस्ट पेड जो होता है ये आपका आ, नाइलन का भी पेड यूज होता है और वाइट मेटल बेबिट मेटल का भी यूज होता है तो बेसिकली आजकल सब नाइलन का यूज करने लग गए हैं पहले थ्रस्ट पेड वाइट मटेरियल का होता है इसमें सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी और परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस किस टाइप का लोड रहता है जर्क रहता है वाइब्रेशन रहता है उसके ऊपर इस चीज़ को डिजाइन किया जाता है और ख़ास करके एक चीज़ बोलूँ ये जो थ्रस्ट पेड है ये थ्रस्ट पेड नया आप खरीदिए उसके बाद अगर कभी डैमेज हो तो इसको आप रिकंडिशनिंग भी कर सकते हैं देर आर एजेंसीज अवेलेबल जो कि इसको रिकंडिशनिंग करके भी देते हैं और ये थ्रस्ट पेड जो है आपका जिस हाउसिंग में है दैट इज कॉल थ्रस्ट पेड हाउसिंग और सेंटर में जो एक तो आपको बेरिंग दिख रहा है दिस इज ए जर्नल टाइप बेरिंग है इसको स्लाइडिंग बेरिंग हम लोग बोलते हैं सो so, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि गियर बॉक्स में हम लोग क्या इंस्पेक्शन करते हैं बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट इज द विजुअल वॉक अराउंड विजुअल वॉक अराउंड जो होता है आप कोई भी गियर बॉक्स के साइड में आप जब चले जाएंगे या थोड़ी देर खड़े रहेंगे या फिर उसके चारों तरफ में एक राउंड मारिए तो आपको अगर कुछ अनयूजुअल अनवांटेड साउंड सुनाई देता है या फिर वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है तो फिर आपको ये चीज़ आपके फिजिकल एफरेंस में ये आपको पता चल जाता है और हम लोग कभी कभी देखे होंगे कि एक स्क्रू ड्राइवर को कान में रख के हम लोग कुछ कुछ बेरिंग्स या कुछ कुछ गियर का जो नॉइज़ है अंदर का वो हमको पता चल जाता है दैट देट मीन्स हम लोग बेसिकली उसमें ये चेक करते हैं कि जो दो मेटिंग पार्ट है वहाँ पे या बेरिंग का जो रोलर्स वगैरह है उसमें कोई रिंगिंग साउंड या फिर कोई अलग टाइप का एबनॉर्मल साउंड अपियर हो रहा है क्या तो दिस वी कैन इंस्पेक्ट थ्रू विजुअल वर्क अराउंड उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन थ्रू इंस्पेक्शन पोर्ट जब भी गियरबॉक्स बंद रहता है तो हम गेयरबॉक्स का हाउसिंग में जो इंस्पेक्शन पोर्ट दिया है उस इंस्पेक्शन पोर्ट को ओपन करके हम लोग अंदर में कोई गियर टीथ टूटा है क्या कोई बेयरिंग डैमेज है क्या या फिर ऑयल का क्वालिटी क्या है बेसिकली ऑयल गियरबॉक्स में जो ऑयल है उसका बॉटम के पर्सन में आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि कोई स्लश डिपोजिट हुआ है क्या तो या फिर खास करके आप देखिएगा बहुत सारे गियरबॉक्स में मॉइस्चर एंट्रप होता है ऑयल में ऑयल एनालिसिस करेंगे तो आपको मॉइस्चर पता नहीं चलता है बट जब आप गियरबॉक्स का टॉप प्लांस देखेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर से रस्टिंग हो जाता है जो कि आपका जब भी गियर मील को आप चालू करते हैं या बंद करते हैं तो दैट टाइम देर इज़ ए स्लाइट हायर वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन में वो रस्ट जो है वो गिर के आपके ऑयल के साथ कंटेमिनेट हो जाता है तो ये सब चीज़ें आप विजुअल इंस्पेक्शन पोर्ट को खोल के इंस्पेक्ट कर सकते हैं कभी कभी बोरोस्कोप इंस्पेक्शन भी होता है जिसमें एक बोरोस्कोप में एक पाइप होता है जिसके एंड में एक कैमरा लगा रहता है उसको आप इंसर्ट करके अंदर का कंडीशंस को इंटरनल कंडीशन को आप चेक कर सकते हैं और बेसिकली बॉक्स में जो ऑयल का या मेटल का जो भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं थ्रू रेजिस्टेंस टेम्परेचर हो गया या आर हो गया या थर्मोग्राफी हो गया जिससे भी हम लोग मेजर करते हैं हॉटस्पॉट वगैरह तो वो सब चीज़ों में आप देखेंगे अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर देर इज़ एन अलार्म वी हैव टू चेक द इंटरनल्स ऑयल का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है जरूर वहाँ पे मैटिंग कॉन्टैक्ट जो है वो पड़ गया है ऑयल फिल्म नहीं बन पा रहा है ऑयल का प्रॉपर्टी डिग्रेड दिग, होने के वजह से ऑयल फिल्म वो बना नहीं पा रहा है ऑयल का विस्कोसिटी ऑयल का लो हो गया है तो देर आर सो मेनी इश्यूज वेन एवर वी इंस्पेक्ट एनी थिंग आफ्टर दैट वील डू ए कॉज एनालिसिस दैट टाइम वी एबल टू नो कि थ्रू द इंस्पेक्शन वी कैन एबल टू नो वाट आर द इशूज इन साइड द गियर बॉक्स अकॉर्डिंगली गियरबॉक्स सर्विसिंग में ये सारे चीज़ को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं देन यू सी मेजर ऑयल प्रेशर अगर ऑयल में कंटामिनेशन ज़्यादा बढ़ता है तो फिर बेसिकली आपका जो डुप्लेक्स ऑयल फिल्टर रहता है उसमें चॉकिंग होता है तो आपका ऑयल प्रेशर जो डिफरेंशल ऑयल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है तो उसके कारण आपको पता चलता है कि ऑयल का क्वालिटी जो है उसमें डिटोरिएशन हुआ है देन यू कैन चेक द साउंड एंड वाइब्रेशन थ्रू कंडीशनल और रूटीन मोनिटरिंग वे कैंसी देन इंस्पेक्ट फिल्टर एलिमेंट्स दैट कैन बी डन बाई ऑयल मैनेजमेंट फिल्टर का एलिमेंट आप कहीं पर भी फिल्टर लगा हुआ है डुप्लेक्स फिल्टर हो चाहे भी आपका सिस्टम में और कहीं पर भी आपने फ़िल्टर लगाया है वी कैन चेक द फिल्टर एलिमेंट आपको बेसिकली कोई भी गेयरबॉक्स का हम लोग जब भी प्रिवेंटिव मैंटेन्स करते हैं ऑयल मिल का तो गेयरबॉक्स का भी हमको प्रिवेंटिव मेंटेन्स करना चाहिए जिसमें चेकलिस्ट नॉर्मली बना रहता है उस चेकलिस्ट के दौरान हम लोग गियरबॉक्स का ऑयल लेवल चेक करते हैं आपका फिल्टर एलिमेंट फिल्टर जब डुप्लेक्स फिल्टर को साफ़ करते हैं उसका हाउसिंग को भी साफ़ करते हैं तो आपको इफ़ देर इज़ एनी मेटल पार्टिकल आपको शो करता है तो फिर आप उससे आप इंटरप्रिट कर सकते हैं कि आ, उसके अंदर का कोई बेरिंग का रोलर्स डैमेज तो नहीं हो रहा है या फिर कोई गियर्स तो डैमेज नहीं हो रहा है तो इन सब चीज़ों को हम लोग फिल्टर एलिमेंट का इंस्पेक्शन के थ्रू हम लोग एश्योर कर सकते हैं देन आप देखिए चेक्स ड्यूरिंग गियर असेंबली हम लोग जब भी गियर्स को असेंबल करते हैं उससे पहले गियर्स को चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि हम लोग सपोज़ डिसअसेंबल किए हैं गियर बॉक्स को हम लोग पहले गियर में कोई भी पिटिंग या कोरोजन या क्रैक्स या वेयर्स या हेयर हेयर क्रैक्स कुछ आया है क्या उसको हम लोग पहले विजुअली चेक करते हैं उसके बाद ज़रूरत पड़े तो एनडीटी करते हैं उसका डी टेस्ट करते हैं या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करते हैं या फिर हम चाहे तो उसका यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं बट नॉर्मली हम लोग इन प्लांट उसका एनडीटी में हम लोग डी टेस्ट में ही उसका जो सरफेस में जो अगर कोई क्रैक है वो पता चल जाता है क्योंकि कोई भी गियर में अंदर तक क्रैक होना मीन्स आपका वो क्रैक जो है आउटर तरफ दिख जाता है तो इसीलिए कोई भी मेटालिजी में डिफेक्ट हो गियर में तो फिर वो सरफेस क्रैक पहले क्रिएट होता है उसके बाद दैट क्रैक में भी वो और अंदर गहरा क्रैक बना सकता है लेकिन अगर एनडीटी हम कर लेंगे तो सरफेस क्रैक से ही आपको पता चल जाएगा कि गियर्स के अंदर में और कोई इश्यूज हो सकता है क्या तो गियर जब दोनों गियर को असेंबल करते हैं तो हम लोग उसका बैकलेस देखते हैं आ, हम आपको आगे दिखाएंगे बैकलेस क्या होता है कैसे चेक किया जाता है और उसका लिमिट क्या है तो ब्लू कंटैक्ट जरूर हम लोग गियर दोनों गियर के बीच में देखते हैं क्योंकि ब्लू कंटैक्ट जो होता है नॉर्मली मोर देन सेवेंटी परसेंट होना चाहिए और जो ब्लू कंटैक्ट है नॉर्मली सेंटर में आना चाहिए और वो कैसे आता है वो भी हम आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे देन गियर का जो और एक चीज़ हम लोग देखते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द गियर दैट मीन्स उसमें जो साट होता है गियर का उसमें इशूज़ होता है जिससे गियर का एसेंट्रिसिटी बढ़ जाता है तो चलिए ये हो गया गेयरबॉक्स के इंस्पेक्शन के बारे में अभी हम लोग आगे गियर कोई भी एक गेयर बॉक्स का सर्विसिंग के बारे में बारे में देखेंगे और यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोल मिल गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कोई भी गियर बॉक्स को पहले कोल मिल से निकालने के बाद हम लोग कोई भी मेंटेनेंस बे में उसको शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर ऊपर में ई क्रेन होना चाहिए और क्रेन का अप्रोच होना चाहिए हाइड्रा का अप्रोच होना चाहिए और जहाँ पर आप काम कर सकते हैं डस्टी एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए नॉर्मली कॉलमिल एरिया जो होता है वो डस्टी एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे आप गियरबॉक्स का सर्विसिंग मत करिए आपको मेंटेनेंस बे में गियर बॉक्स को शिफ्ट कर लीजिए तो पहले हम लोग उसका ऊपर का आउटपुट फ्लांस खोलते हैं आउटपुट फ्लांस को खोलने के लिए आपको उसमें जो आपका मैं बोला था टेन आपका डावल पिन होता है उस पिन को खोला जाता है वो नॉर्मली फिफ्टी टू हंड्रेड टन का जैक को यूज़ करके खोला जाता है उसको और जब उसको अगेन इंसर्ट किया जाता है तो उसका मैं प्रोसीजर आगे जाके बता रहा हूँ तो उसके बाद हम लोग थ्रस्ट पेड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं थ्रस्ट पेड हाउसिंग पूरा बाहर निकाल के ले आइए थ्रस्ट पेड का हाउसिंग करिए हाउसिंग का इंस्पेक्शन करिए अंदर का स्लाइडिंग बेरिंग का इंस्पेक्शन करिए ये सारा चीज़ के बाद आप प्लानेटरी गियर बॉक्स को बाहर निकाल लीजिए उसके बाद प्लानेटरी गियर्स को घुमा के उसका वेयरिंग का हेल्दीनेस आप चेक कर सकते हैं प्लानिटरी वो उसका जो टीथ प्रोफाइल है उसमें कोई स्पर डेंट कुछ भी आया है तो उसको भी चेक कर सकते हैं उसको आप एमरी व्हील से नॉर्मली थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिएगा असेंबल से पहले देन उसके बाद बिवेल पिनियन का असेंबली निकाला जाता है और नॉर्मली कोई भी गियर गियरबक्स में जो भी इशूज़ होता है इधर बिवेल पिनियन में होता है विविल पिनियन का अगर कॉन्टैक्ट सही नहीं है तो बिवेल पिनियन का टीथ टूट सकता है अगर आपका प्लानिटरी गियर बॉक्स कभी कभी सीज हो जाता है तो उसमें इशू जाता है या थ्रस्ट पैड जो होता है उसमें कोई स्कोरिंग मार्क आ सकता है थ्रस्ट पैड खराब हो सकता है ये तीन चार तरह के इश्यूज नॉर्मली गियरबॉक्स में आते हैं जब भी कोई वाइब्रेशन या अनवांटेड साउंड होता है तो आप गियरबॉक्स को खोलेंगे तो इस टाइप के इश्यूज आपको ज़रूर दिखेंगे सन गियर का टीथ टूट सकता है आपका कपलिंग का टीथ टूट सकता है या फिर कोई अंदर का बेयरिंग का फेलियर भी हो सकता है क्योंकि एक गियर बॉक्स में आपको सेवन टू एट नंबर्स ऑफ बेयरिंग्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसका फेलियर भी हो सकता है दिस फेलियर मे बी ड्यू टू सेवरल रीजन्स आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन सो सर्विसिंग ऑफ गियरबॉक्स में आपने डिसमेंटलिंग का प्रोसीजर देखा अभी असेंबल करेंगे तो असेंबल करने से पहले पहले तो आपका पहला काम रहेगा कि हाउसिंग दोनों हाउसिंग को अच्छी तरह से क्लीनिंग करिए क्लीन करना बहुत जरूरी है लोअर हाउसिंग हो गया या अपर हाउसिंग हो गया थ्रस्टपेड हाउसिंग हो गया उसके बाद फास्ट काम आपका रहेगा कि जो बेयरिंग होता है अगर आप बेयरिंग को रिप्लेस कर रहे हैं तो बेयरिंग को फिट करिए बीबल साफ्ट में फिट करिए या पिनियन साफ्ट में फिट करिए आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आपको बेयरिंग को कहाँ फिट करना है और गियर बॉक्स में नॉर्मली याद रखिए सी थ्री वेरिंग यूज़ करिए सी थ्री क्लियरेंस बेयरिंग बेरिंग का क्लियरेंस के बारे में हम अनदर टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो सी थ्री वेरिंग क्लियरेंस होना चाहिए बॉक्स में आपका कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो भी आपको यही रेकमेंड करेगा कि सी थ्री वेरिंग का क्लियरेंस आप बॉक्स में यूज करिए सो so, आपका पहला काम रहेगा विवेल पिनियन का फिक्स करना पहले आपका जो पिनियन जो है पिनियन हाउसिंग में फिट करिए उसका फ्लॉट चेक कर लीजिए फ्लॉट जो है पॉइंट फोर से पॉइंट सिक्स के आसपास होना चाहिए उसके बाद विवेल को आप फिक्स करिए और विवेल फिक्स करने के बाद पिनियन को फिक्स करिए फिक्स करने के बाद दोनों टीथ का कॉन्टैक्ट चेक करना जरूरी है मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा ये दिस इज द मेजर चेक ऑफ ए गियर बॉक्स प्लानिटरी गियर बॉक्स इस चेक को जरूर करना है कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं तो बिवेल पिनियन एक बार फिक्स करने के बाद आप ब्लू और पैकलस को जो चेक करेंगे आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कैसे एडजस्ट करवाएंगे एक कंप्लीट सर्विस ऑफ गियरबॉक्स का मैं एक चैप्टर आगे डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा कि किस चीज़ को आप एडजस्ट करने से आपका बीवेल पिनियन का जो ब्लू कंटैक्ट या फिर बैकलैस का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं सो so, हमने हाँ देखा यहाँ पे कि बिवेल और पिनियन का फिक्सिंग हमने हाँ कर दिया उसके बाद जो है बिवेल पिनियन का असेंबली को थोड़ा आगे पीछे करते हुए एडजस्ट करते हुए बैकलेस एंड ब्लू चेक कर लिए उसके बाद आपको पोजिशन करना है बिवेल साफ्ट के ऊपर में सन गियर का पोजिशन करना है सन गियर पोजिशन करते हुए आपको जो टूथ कपलिंग है फिक्स करना है जो टूथ कपलिंग वो किस किस को कपल करता है सन गियर का बॉटम गियर को एंड आपका बिवेल गियर का टॉप गियर को टॉप साफ्ट गियर को उसके बाद आपको इंसर्ट करना है प्लानिटरी गियर असेंबली और प्लानिटरी गियर असेंबली इंसर्ट करने का एक प्रोसीज़र होता है नॉर्मली एक प्लानिटरी गियर बॉक्स को इंसर्ट करते टाइम कुछ कुछ टेक्नीशियन को एक दिन ले एक दिन का टाइम लगता है और कुछ कुछ टेक्नीशियन को एक घंटे का टाइम लगता है सो so, इसमें अगर प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो विद इन वन आवर ओनली आप कोई भी एक प्लानिटरी को इजीली डाल सकते हैं क्योंकि प्लानिटरी डालने के टाइम में आपको आउटर गियर का कंटैक्ट प्लानिटरी के साथ एंड प्लानिटरी गियर का तीनों प्लानिटरी का कंटैक्ट एक सन गियर के साथ आपको एंश्योर करना पड़ता है तो दिस इज रियली ए वेरी डिफिकल्ट जॉब बट एक्सपीरियंस मैटर्स ए लॉट इफ यू हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस यू कैन एबल टू डू इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम सो so, इसके बाद हम लोग वहाँ कुछ रबर कॉर्ड इंसर्ट करते हैं दैट डिपेंड्स यू कैन सी द ड्राइंग आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा कहाँ पे ग्लैंड लगता है कुछ जगह पे कुछ रबर कॉर्ड लगता है उसके बाद हम लोग जो थ्रस्ट पैड का हाउसिंग होता है उसको असेंबल करते हैं और उसके ऊपर में थ्रस्ट पैड को डालते हैं तो थ्रस्ट पे डालने के टाइम में हमको थोड़ा थोड़ा गियर ऑयल यूज़ करना चाहिए जैसे कि नीचे बिबेल पिनियन गियर गियर के टाइम इंसेशन के टाइम में भी आपको थोड़ा सा गियर ऑयल जो भी आपका रिकमेंडेड गियर ऑयल है इट मे वी टू ट्वेंटी इट मे वी थ्री ट्वेंटी आपको गियर ऑयल थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा देन एक बार थ्रस्ट असेंबली हो जाए तो उसके ऊपर में आपको आउटर फ्लांस को डालना है आउटर फ्लान्स को डालने के बाद आउटर फ्लानस को एंड टक्ट रखने के लिए आपको टेन और ट्वेल्व नंबर्स का जो डावल पिन होता है ऊपर से उसको डालना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ नॉर्मल uh, हेक्सागोनल या फिर एम थर्टी सिक्स या एम ट्वेंटी फोर डिपेंड्स अपॉन द बॉक्स साइज़ आपको कुछ एल uh, की भी हो सकता है आप उसको इंसर्ट करिए अभी हम लोग थोड़ा जो दो मेजर चेक होता है गियर बॉक्स में जैसे मैंने आपको बोला ये ब्लू चेकिंग करना और एक बैकलेस चेक करना आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं दैट इज द ब्लू चेकिंग और ब्लू चेकिंग में आपको पिनियन जो पिनियन है उसमें थोड़ा सा ब्लू लगा के आप जो डिरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसी डिरेक्शन में आप पिनियन को घुमाइए तो पिनियन में जो ब्लू लगा है उसका कंटैक्ट आपका बीभेल में आ, आएगा तो बीभेल में ये जो ब्लू कॉन्टैक्ट के है आपको मोर देन सेवेंटी परसेंट कंटैक्ट होना चाहिए और सेंटर में आना चाहिए तो अगर वो कोई भी एज में कंटैक्ट आपका आएगा तो फिर आपका ड्यूरिंग रनिंग कभी भी वाइब्रेशन होने से किसी भी कंडीशन में गियर का टीथ एंड का टीथ टूट सकता है तो इसलिए आपको केयरफुल होकर ब्लू चेक को मेजर करना है और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं राइट साइड पिक्चर में आपको बैकलेस चेक हो रहा है बैकलेस चेक में दैट इज़ अ मैनुअल चेक आपको डायल गेज को कोई भी एक पिनियन का टीथ में रखना है और उसको बिवेल और पिनियन का जो टीथ का मैचिंग है उसको कंटक्ट करना है कंटक्ट करके उसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है घुमाने से आपका जो डायल है डायल का थोड़ा सा मूवमेंट होगा बट इसको बहुत केयरफुली आपको करना है कभी भी घुमाने के टाइम में आप देखिएगा बिवेल घूम जाएगा नहीं बिवेल का घूमने से पहले जितना भी डायल का मूवमेंट होता है उसको हम लोग बैकलैस के तरह इसको काउंट करते हैं तो बेसिकली बैकलेस चेक करने के टाइम में आप थोड़ा केयरफुली चेक करिएगा जब भी आप उसको रोटेट करेंगे हाथ से तो आपको यह इंश्योर करना है कि बिवेल ना घूमे और पिनियन का जो मूवमेंट है आपका एक्स टीथ का जो कंटैक्ट है बिवेल के साथ वो कंटेक्ट पूरा हो बिकॉज बेसिकली बेकलस होता है कि जो टीथ का गैप बेसिकली होता है ये पिनियन और विवेल का जो टीथ का गैप है दैट इज कॉल्ड द बैकलेस तो ये बैकलेस जो है नॉर्मली पॉइंट फोर से लेके पॉइंट सिक्स फाइव या पॉइंट सेवन तक आप मेंटेन कर सकते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं हम गियरबॉक्स के सर्विसिंग स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे तो ये होता है बेसिकली दो मेजर चेक प्लानिटरी गियरबॉक्स का विवेल पिनियन सेट में कोई भी, भी विविल पिनियन सेट में अभी हम देखेंगे कि गियरबॉक्स का जो फेलियर होता है बेसिकली क्यों होता है गियरबॉक्स का फेलियर का मेजर रीजन होता है लुब्रिकेशन हम लोगों ने यह चीज देखा है जो गियरबॉक्स का फेलियर होता है इनएडिक्यूएट लुब्रिकेशन के वजह से 35 परसेंट गियर फेलियर देखा गया है नॉट ओनली गियर फेलियर बेरिंग फेलियर ऑल्सो और दूसरा चीज़ है आपका कंटामिनेशन लुब्रिकेशन में अगर कंटामिनेशन इन एडिकुएट लुब्रिकेशन आपने देखा मीन्स आपका लुब्रिकेशन हो नहीं रहा है लुब्रिकेशन का लुब्रिक जो ल्यूब ऑयल पंप चल रहा है लेकिन आपका ऑयल पहुंच नहीं रहा है बैरिंग के पास गियर मेटिंग सरफेस के पास और लुब्रिकेशन में कोई कंटामिनेशन है इट कैरीज सम सिलिका कैरीज सम अदर डेब्रिज पार्टिकल्स एंड वो डेब्रिज पार्टिकल आपका दोनों गियर के मेटिंग सरफेस में आ जाएगा तो भी आपका गियर का फेलियर हो सकता है बेरिंग का फेलियर हो सकता है सो so बेसिकली आप देखिए थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव मीन सिक्सटी परसेंट जो है गियर का फेलियर ओनली ड्यू टू लुब्रिकेशन इधर इट मे बी इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन और कंटामिनेशन ऑफ लुब्रिकेशन देन आप देखिए जो अदर ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है दैट इज़ इंस्टॉलेशन एरर मैंने जैसे कि बोला आपका ब्लू मैच बैकलेस चेकिंग या डीपी चेक ये सारा चीज़ चेकिंग अगर प्रॉपर नहीं करेंगे तो फिर इंस्टॉलेशन एरर के वजह से अलाइनमेंट के एरर के वजह से आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट फेल्यूर होने का चांसेस है टेन परसेंट होता है ओवरलोड के वजह से सपोज़ आपका मील का डिज़ाइन जो है वो है फिफ्टी फाइव डी पी एच तक टंस पर आवर तक है कॉल मील कोल को वो ग्राइंड कर सकता है आप उसमें सेवेंटी टी दे रहे हैं सिक्सटी टी में चला रहे हैं ओवरलोड में चला रहे हैं तो देर इज अ चांस ऑफ फेलियर ऑफ गियर और बेरिंग देन हैंडलिंग एरर ऑल्सो कंट्रीब्यूट फाइव परसेंट ऑफ फेलियर जो हैंडलिंग एरर मीन्स आप बेरिंग को कैसे हैंडल कर रहे हैं बैरिंग का आउटर रेस बैरिंग का इनर रेस बैरिंग का रोलिंग एलिमेंट्स गियर का टीथ ये सारे बहुत ही सोफेस्टिकेटेड आइटम्स होते हैं इस सब चीज़ों में हल्का छोटा सा डेंटिंग भी बहुत इशू होता है आप बैरिंग को इंस्टॉल करने के टाइम में आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं अगर सपोज़ आप उसमें आयरन का हमर यूज करके आप बैरिंग का इनर रेस को बिठा रहे हैं इंस्टेड ऑफ़ कॉपर रॉड या आजकल पी टी एफ रॉड आ गया है ये सब चीज़ों को यूज़ करना है एक्चुअली सर्विसिंग का एक प्रोसीजर होता है सर्विसिंग को यूज़ करने के लिए इस टाइप के सफिस्टिकेटेड गेयरबॉक्स का सर्विसिंग टाइम में आपको कुछ टूल्स एंड टेकल का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर आप टूल्स एंड टेकल प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो फिर आपका हैंडलिंग एरर इंस्टॉलेशन एरर आने का चांसेस बहुत है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ़ टाइप्स ऑफ गियर्स एंड व्हाई वी यूज़ द गियर्स एंड द सर्विसिंग ऑफ मील गियर बॉक्स इज द प्लानटरी गियर बॉक्स सो हम लोग आगे के चैप्टर में फिर एक बार डिस्कस करेंगे गियर बॉक्स के ऊपर एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लाएंगे आपके लिए सो so, आज के लिए इतना ही सो so, नमस्कार बाय बाय शिव इन द लेटर थैंक यू